सो है गाइस, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं अरे पे। ठीक है, हमारे कंप्यूटर में अरे का चैप्टर है। ठीक है, मेथड, फंक्शन, अरे, स्ट्रिंग, ये सब चैप्टर है। तो अरे से अच्छा खासा बोर्ड में प्रोग्राम आता है। ठीक है, सो इस वीडियो में अरे पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अरे का डेफिनेशन। ठीक है, सो अरे का डेफिनेशन, द कलेक्शन ऑफ आइटम्स और वैल्यूज ऑफ सेम डाटा टाइप रेफर्ड बाई वन कॉमन नेम। रेफर्ड बाई वन नेम इज नोन एज अरे। ठीक है, ये आपका अरे का डेफिनेशन। नॉर्मली आपके बोर्ड एग्जाम में ये डेफिनेशन पूछ देता है। ठीक है, द कलेक्शन ऑफ आइटम्स और वैल्यू ऑफ सेम डाटा टाइप रेफर्ड बाई वन नेम इज नोन एज अरे। ठीक है, अब इसका मीनिंग मैं समझाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप अरे का टाइप्स देखते हैं। टाइप्स, कितने टाइप्स के अरे होते हैं? ठीक है, तो अरे दो टाइप्स के होते हैं। ठीक है, सिंगल डायमेंशनल अरे एंड डबल डायमेंशनल अरे। डबल डायमेंशनल अरे, ठीक है, तो हमारे सिलेबस में बस सिंगल डायमेंशनल अरे है, डबल डायमेंशनल अरे नहीं है। ठीक है, डबल डायमेंशनल अरे पे कभी कभी लॉजिकल क्वेश्चन, यानी प्रोग्राम नहीं, थ्योरी टाइप का क्वेश्चन, लॉजिकल क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है। ठीक है, डबल डायमेंशनल अरे पे कभी कभी पूछता है, बोर्ड एग्जाम में हमेशा नहीं। ठीक है, कभी कभी डबल डायमेंशनल अरे पे लॉजिकल क्वेश्चन पूछ देता है, और जो आपका प्रोग्राम आएगा वो सिंगल डायमेंशनल अरे पे, फुल्ली सिंगल डायमेंशनल अरे पे बेस्ड रहेगा। ठीक है, अच्छा, डबल, ठीक है, ये हो गया आपका डेफिनेशन, अरे का डेफिनेशन एंड टाइप्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके जो डेफिनेशन, इसका मीनिंग क्या है। द कलेक्शन ऑफ आइटम्स, और पहले तो अरे कहते किसको। ठीक है, तो जैसे आप प्रोग्राम अरे मीन्स ये, ग्रुप ऑफ डाटा, ये क्या लिखा है, द कलेक्शन ऑफ आइटम्स, यानी बहुत सारे आइटम्स रहेंगे। ठीक है, द कलेक्शन ऑफ आइटम्स। ठीक है, तो कई सारे, कलेक्शन मीन्स यानी कई सारे आइटम्स। ठीक है, आइटम्स और वैल्यूज ऑफ सेम डाटा टाइप। ठीक है, रेफर्ड बाय वन नेम इज नोन एज अरे। ठीक है, तो अरे एक्चुअली में है क्या, जो अरे वर्ड है, अरे मीन्स जब आप अरे का सिंटेक्स है आपका, जो अरे है, ये अरे का सिंटेक्स होता है, डाटा टाइप। ठीक है, डाटा टाइप, नेम ऑफ अरे स्क्वायर ब्रैकेट इज इक्वल टू न्यू, फिर डाटा टाइप, फिर ब्रैकेट के अंदर साइज। ठीक है, सेमी कॉलन, ये आपका सिंटैक्स है। ये क्या है, सिंटैक्स, सिंटैक्स किसका, अरे क्रिएट करने का, अरे क्या करने का, क्रिएट, अरे क्रिएट करने का, ये आपका सिंटैक्स है। क्या है, डाटा टाइप, नेम ऑफ अरे इज इक्वल टू न्यू, डाटा टाइप, फिर साइज, ये आपका सिंटैक्स है। एग्जांपल मैं आपको दे दूं, डाटा टाइप, ठीक है, मान लीजिए डाटा टाइप, ठीक है, डाटा टाइप क्या, मान लीजिए इंटीजर ले लेते हैं, इंटीजर। ठीक है, नेम ऑफ अरे, आप ये अरे का कुछ भी नेम रखना चाहें, जैसे मैं ले लेता हूँ नम, नंबर ले लेते हैं, मान लीजिए नंबर। ठीक है, तो ये नंबर, फिर स्क्वायर ब्रैकेट इज इक्वल टू न्यू, फिर से डाटा टाइप, यही डाटा टाइप यहाँ पे भी रहेगा, न्यू इंट। अब साइज, यानी जितना बॉक्स क्रिएट कराना चाहते हैं, मान लीजिए 8 बॉक्स, हमको 8 बॉक्स मान लीजिए क्रिएट करा, तो इसके अंदर 8 डाल देंगे, 8 बॉक्स। जैसे ही आप यहाँ पे 8 बॉक्स डालेंगे, तो वैसे ही, यानी ये सिंटेक्स जब आप लिखेंगे, इंट नंबर स्क्वायर ब्रैकेट इज इक्वल टू न्यू इंट, फिर ब्रैकेट के अंदर जो भी साइज, मान लीजिए 8 लिख दिए साइज। ठीक है, तो ये जैसे ये वाला लाइन एग्जीक्यूट करेगा प्रोग्राम में, वैसे क्या करेगा, ऐसे ऐसे 8 बॉक्स बना देगा। ठीक है, 8 बॉक्स, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब चूंकि इसका
डाटा टाइप क्या है, इंटीजर, और नंबर इंट नम नेम ऑफ अरे। तो ये जो कलेक्शन ऑफ बॉक्सेस, इसका नाम क्या है, नंबर। ये जो अरे बना है ये यही आपका अरे है, ये जो है जो बॉक्सेस बन गए इसी को अरे कहते हैं। अब इसके अंदर इंटीजर है तो इसके अंदर एक एक बॉक्स के अंदर कोई इंटीजर वैल्यू, इंट इंट क्योंकि डाटा टाइप इंट है तो इसके अंदर इंटीजर वैल्यू ही इन बॉक्सेस के अंदर स्टोर होंगे। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे हम लिख देते डबल, लिख देते कुछ डबल डबल लिख देते, या फिर स्ट्रिंग लिख देते, ठीक है, या फिर कैर लिख देते, ठीक है। तो डबल रहता तो डबल वैल्यू इन बॉक्सेस के अंदर स्टोर रहते, फिर यहाँ पे भी चेंज करना पड़ता है। इंट यहाँ पे लिखा है ना, डाटा टाइप यहाँ पे भी, तो यहाँ पे भी डबल स्ट्रिंग कैर लिखना पड़ता है। ठीक है, तो मान लीजिए अगर डबल लिखते हैं तो इन बॉक्सेस के अंदर डबल टाइप की वैल्यू स्टोर होती है, स्ट्रिंग लिखते हैं तो स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू, कैर लिखते हैं तो कैर टाइप की वैल्यू बॉक्सेस में स्टोर रहते हैं। ठीक है, दोनों जगह चेंज करना पड़ता है, यहाँ पे चेंज करते तो यहाँ पे भी। ठीक है, तो अभी इंट लिखा हुआ है, ठीक है, अभी क्या है, इंट लिखा हुआ है, इंट नंबर, इंट क्या है, डाटा टाइप, नंबर क्या है, ये पूरे अरे का नेम है नंबर। ठीक है, नेम ऑफ अरे, ठीक है, फिर ये स्क्वायर ब्रैकेट इज इक्वल टू न्यू, फिर ये डाटा टाइप जो यहाँ पे है वही इंट, और ब्रैकेट के अंदर आपको साइज कितना चाहिए, कितने बॉक्सेस आपको बनाने हैं, वो साइज का नंबर। ठीक है, 8 मान लीजिए 8 लिख दिए तो ऐसे 8 बॉक्स क्रिएट कर देगा, 8 बॉक्स क्रिएट कर देगा, इस अरे का नाम नंबर पड़ गया। ठीक है, अच्छा, ठीक है, तो ये आपका अरे हो गया, ये बॉक्सेस। तो कलेक्शन ऑफ आइटम्स, ये क्या है, ये क्या है, कलेक्शन है पूरा, मतलब अगर एज देख नॉर्मली अगर देखा जाए तो 8 बॉक्सेस में क्या है, इंटीजर वैल्यू स्टोर, यानी 8 इंटीजर वैल्यू का एक कलेक्शन है, तो वही लिखा हुआ है कलेक्शन ऑफ आइटम्स और वैल्यू ऑफ सेम डाटा टाइप, यहाँ पर रहेगा सेम डाटा टाइप। ठीक है, कलेक्शन ऑफ आइटम्स ऑफ वैल्यू ऑफ सेम डाटा टाइप क्या है, ये 8 इंटीजर, 8 इंट टाइप के वैल्यू का कलेक्शन, यानी 8 आठों बॉक्सेस में इंटीजर टाइप की वैल्यू रहेगी, तो वही सेम डाटा टाइप रेफर्ड बाय वन नेम, ये आठों को किस नाम से डिनोट किया गया, नंबर, तो वही कलेक्शन ऑफ आइटम्स ऑफ वैल्यू ऑफ सेम डाटा टाइप इंटीजर रेफर्ड बाय वन नेम, नंबर से इसको डिनोट किया। नंबर क्या है, सब पूरे अरे के लिए कॉमन नेम है, यानी आठों इंटीजर जो कलेक्शन है, आठों इंटीजर का उसका कॉमन नेम हमने दे दिया नंबर, तो वही ये आपका डेफिनेशन कह रहा है। ठीक है, अब सिंगल डायमेंशन अरे, यही सिंगल डायमेंशन अरे यही आपका है। ठीक है, डबल डायमेंशन अरे की, सिंगल डायमेंशन मतलब एक ही डायमेंशन है, या तो ऐसे, यही सिंगल डायमेंशन अरे ऐसे ही होता है, ठीक है, पूरा सिंगल चेन। ठीक है, डबल डायमेंशन अरे की बात करें तो डबल डायमेंशन अरे का ऐसे हो जाएगा, ये हो गया आपका डबल डायमेंशन अरे। ठीक है, सिंगल डायमेंशनल दिया था, डबल डायमेंशनल में भी डबल डायमेंशनल में हॉरिजॉन्टल भी रहेगा और वर्टिकल भी रहेगा। ठीक है, दोनों हॉरिजॉन्टल भी वर्टिकल भी, सिंगल में बस हॉरिजॉन्टल। ठीक है, डबल डायमेंशनल अरे हमारे सिलेबस में है, इस पर बस लॉजिकल क्वेश्चन आता है, वो भी कभी कभी आता है, लेकिन आता है तो हमको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, सो ये आपका डबल डायमेंशनल अरे। ठीक है, अभी बस सिंगल डायमेंशनल पर बात करेंगे। तो ऐसे आपका अगर प्रोग्राम में अरे बनाना है तो ये आपका अरे का सिंटैक्स है। ठीक है, जैसे स्कैनर क्लास का सिंटेक्स होता है, स्कैनर अस्सी स्कैनर डाटा टाइप इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, ये स्कैनर क्लास का सिंटेक्स है, जैसे स्कैनर डाटा टाइप इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, वैसे ये अरे का सिंटेक्स है। ठीक है, तो सिंटेक्स एस टू एस, सेम टू सेम सिंटेक्स हमको प्रोग्राम में कोडिंग जब हम करेंगे, प्रोग्राम जब हम लिखेंगे तो उसमें लिखना रहता है बस। ये जैसे डाटा टाइप है तो डाटा टाइप जिसका अरे आपको बनाना है, मान लीजिए इंटीजर का बनाना है तो इंटीजर डाटा टाइप ले लेंगे, आपको इसमें एक एक बॉक्सेज में नेम स्टोर कराना है तो स्ट्रिंग ले लेंगे, अल्फाबेट स्टोर कराना है तो कैर ले लेंगे, डबल वैल्यू स्टोर कराना है आप डबल ले लेंगे। ठीक है, तो उस हिसाब से जैसा आपको क्वेश्चन में कहा रहेगा वैसे कर देंगे। ठीक है, तो ऐसे आपका अरे हो गया। ठीक है, डेफिनेशन मैंने समझा दिया। ठीक है, फिर सिंगल डायमेंशनल अरे होता है ये समझा दिया। इंस्टॉल कैसे करेंगे प्रोग्राम में, तो ये आपको सिंटेक्स लिख के इंस्टॉल करा देंगे। ठीक है, अच्छा, अब दो तीन चीज और होते हैं इसमें, इंडेक्स नंबर हमको समझना है, इंडेक्स नंबर लेंथ, इंडेक्स नंबर एंड लेंथ। ठीक है, लेंथ, ठीक है, तो ये जो एट लिखा है ये एट क्या है, ये लेंथ बताया है, लेंथ, ये जो काउंट है वन से लेके एट तक, ये क्या है, ये लेंथ है, अरे का लेंथ है।
अगर आपको कोई पूछेगा कि बताओ इस अरे का लेंथ कितना है, तो आप 8 बताएंगे. लेंथ इज इक्वल टू, इस अरे का, अगर कोई पूछेगा इस अरे का लेंथ कितना है, लेंथ, तो आप क्या बताएंगे, लेंथ इज इक्वल टू 8. ठीक है, अगर वहीं कोई इंडेक्स पूछ देगा कि इंडेक्स, टोटल इंडेक्स कितना है, ठीक है, इंडेक्स कितना है, तो यानी आपसे कोई पूछ देगा कि लास्ट इंडेक्स नंबर कितना है, लास्ट इंडेक्स, लास्ट इंडेक्स, लास्ट इंडेक्स नंबर कौन सा है, तो अब इंडेक्स क्या होता है, लेंथ, लेंथ यानी कितने बॉक्सेस हैं, वो आपका लेंथ हो गया. ठीक है, इंडेक्स क्या होता है कि जैसे स्ट्रिंग है ना, स्ट्रिंग आपका स्ट्रिंग होता है, हमने स्ट्रिंग क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा स्ट्रिंग. ठीक है, तो जैसे आपका स्ट्रिंग में कोई वर्ड इंटर है, कंप्यूटर, मान लीजिए कंप्यूटर आपका इंटर है, ठीक है, तो इसका इंडेक्स नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. तो जैसे स्ट्रिंग का इंडेक्स नंबर होता है 0 से स्टार्ट होता है, फिर ऐसे बढ़ता चला जाएगा. और अगर आपको इसमें एक्चुअली में वर्ड कंप्यूटर में कितने अल्फ़ाबेट्स हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. तो जैसे स्ट्रिंग में लेंथ कितना है, कंप्यूटर वर्ड का लेंथ कितना है, 8 है, लेकिन इंडेक्स कितना है, टोटल कितने इंडेक्स है, 7. तो वैसे कोई अगर लास्ट इंडेक्स इसमें पूछेगा, तो इंडेक्स नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है हमेशा. स्ट्रिंग में भी, स्ट्रिंग में भी इंडेक्स नंबर 0 से स्टार्ट होगा, लेंथ 1 से स्टार्ट होगा, इंडेक्स नंबर 0 से स्टार्ट होगा. ठीक है, तो ऐसे ही अरे में भी इंडेक्स नंबर 0 से स्टार्ट होगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. तो लास्ट इंडेक्स को पूछेगा तो क्या होगा, 7. ठीक है, अगर इसमें इंडेक्स की बात करें, ये क्या है, ये इंडेक्स, ये ऊपर वाला इंडेक्स नंबर, इंडेक्स नंबर. ठीक है, ये क्या है, लेंथ है. ठीक है, अच्छा, ये हो गया आपका इंडेक्स नंबर. ठीक है, मान लीजिए ये आपका जो नंबर है ये क्या है, इंट है, इंटीजर टाइप का है. ये आपका जो अरे है ये इंटीजर टाइप का, यानी इन सारे बॉक्सेस में इंटीजर टाइप की वैल्यू स्टोर होगी. ठीक है, तो मान लेते हैं इसमें कोई, इसमें अब हम वैल्यू स्टोर करा देंगे. वैल्यू अभी मैं प्रोग्राम लिख के बताऊंगा कि कैसे इंस्टॉल, ये सिंटेक्स लिख के इंस्टॉल कराएंगे, फिर एक एक बॉक्सेस में स्टोर भी कराएंगे. ठीक है, वो भी मैं अभी बताऊंगा. ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है. ठीक है, मान लेते हैं इसमें कोई नंबर स्टोर है. ठीक है, 8, 7, 5, 0, 2, 9, 16, 21. ठीक है, ये मान लीजिए नंबर स्टोर है. ठीक है, अब क्यों मैं 8, 7, 6 क्यों मैं नंबर ही लिया, क्योंकि इंटीजर टाइप है, इसमें इंटीजर टाइप की ही वैल्यू स्टोर हो पाएगी. आप इसमें चाहे कि ए स्टोर कर दें, बी स्टोर कर दें, 0.2 स्टोर कर दें, तो वो समझ नहीं होगा, क्योंकि इंटीजर टाइप का ही ये जो नंबर है आपका, नंबर अरे है, ये अरे का नाम है. नंबर, नंबर क्या है, अरे का हमने नाम दिया हुआ है. मान लीजिए नाम मैं चेंज कर दूँ, नाम लिख दें हम कुछ और, आलोक मान लीजिए नाम लिख देते हैं, आलोक. ठीक है, तो ये इसका नाम चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नाम आलोक हो जाएगा. ठीक है, तो ये पूरे अरे का नाम आलोक है. ठीक है, तो हम नंबर ही रहने देते हैं. ठीक है, नाम ले लेते हैं, नाम. तो ये पूरे अरे का नाम नम है. ठीक है, ये पूरा अरे जो है इसका नाम नम है. ठीक है, और ये 0, 1, 2, 3 क्या है, ये इंडेक्स नंबर है. आपको इसका कोई लेंथ पूछेगा तो टोटल काउंट कर लेंगे कितना बॉक्सेस है उसका, वही उसका लेंथ हो जाएगा, लेंथ 8 हो जाएगा. ठीक है, लेंथ कही, या फिर इसको साइज भी बोलते हैं, साइज, अरे का लेंथ बताओ या फिर साइज बताओ, तो लेंथ साइज एक ही होता है. ठीक है, अच्छा, कई बार क्या, अगर आपको मान लीजिए लेंथ नहीं दिया हुआ है. ठीक है, आपको लेंथ जो है अरे का कह दिया, अरे का लेंथ निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, जैसे स्ट्रिंग में, जैसे स्ट्रिंग है ना कंप्यूटर. ठीक है, तो मान लीजिए किसी स्ट्रिंग में स्टोर है जो कंप्यूटर वर्ड है स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग, स्ट्रिंग str में ये वर्ड स्टोर है आपका कंप्यूटर. ठीक है, स्ट्रिंग str में आपका वर्ड स्टोर है कंप्यूटर. ठीक है, तो अब इसका मान लीजिए लेंथ निकालना है, इसका लेंथ निकालना है, लेंथ, तो लेंथ कैसे निकालते थे, str dot length, ये ब्रैकेट. ठीक है, तो जैसे स्ट्रिंग का लेंथ निकालते थे वैसे ही अरे का भी लेंथ निकालेंगे, अरे का लेंथ, अरे का लेंथ. मान लीजिए आपको लेंथ कहीं निकालना है, वैसे तो जो साइज रहता है, जो यहाँ पे बॉक्स में हम साइज दिए रहते हैं, वही लेंथ भी हो जाएगा, लेकिन मान लीजिए कहीं इनकेस आपको निकालना पड़े अरे का लेंथ, कैसे निकालेंगे, अरे का नाम क्या है, नम, तो num.length. ठीक है, सेमीकोलन, यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगेगा, जो स्ट्रिंग में यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट, सॉरी ये ब्रैकेट लगता था कर ब्रैकेट, तो वहाँ पे, यहाँ पे अरे का लेंथ निकालने में कर ब्रैकेट हम नहीं लगाएंगे. ठीक है, तो num यानी name of array dot length. ठीक है, तो ये आपका लेंथ निकल जाएगा अरे का.
है। अच्छा तो अरे का लेंथ निकालना है, कैसे निकालेंगे? अरे लेंथ, अरे का जो नाम हो यानी नम नाम है, नम डॉट लेंथ, नम डॉट लेंथ, ठीक है, ये ब्रैकेट नहीं रहेगा, ठीक है, ये आपका अरे का लेंथ निकल गया, ठीक है। अच्छा अब इसमें मान लीजिए नंबर स्टोर है 8750291621, ठीक है। तो अगर आपको कभी जैसे जो थ्योरी सेक्शन होता है उसमें आपको कभी कभी लॉजिकल क्वेश्चन भी पूछ देता है, तो अगर आपको मान लीजिए ये नंबर प्रिंट कराना है, ये 9 नंबर प्रिंट कराना है, ठीक है, तो आप प्रिंटिंग स्टेटमेंट क्या देंगे? अगर पूछ देगा कि ये अरे दे दिया और 9, ये 9 जो नंबर इसको आपको प्रिंट कराना है, तो क्या प्रिंटिंग स्टेटमेंट देंगे? तो प्रिंटिंग स्टेटमेंट हम देंगे सिस्टम डॉट एसओपी में लिखूंगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, आप लिखिएगा एसओपी एल एन, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, नम ऑफ ये 9 जो नंबर है किस इंडेक्स पे है? फिफ्थ इंडेक्स पे है, तो नम ऑफ 5, ठीक है, तो यानी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट नम ऑफ 5, नम ऑफ नंबर ऑफ 5 को तुम प्रिंट कराओ, ठीक है। ये आपका ऐसे प्रिंटिंग स्टेटमेंट, इसको मैं और थोड़ा समझाता हूँ, ठीक है। अरे का लेंथ ऐसे निकालते हैं, ठीक है, थीके? जैसे ये जो लेंथ, ये तो लेंथ समझ में आ गया, लेंथ निकालना, तो नम डॉट लेंथ फिर सेमी कॉलन, या फिर लेंथ आपका यहाँ पे जो इंटर रहता है वही लेंथ रहता है, ठीक है। इसको मैं और समझाता हूँ आपको, ये जैसे जो है ये नम है, तो ये 8 जो है ये नम, और इसको कहेंगे नम नम ऑफ 0, यानी नम अरे के 0 इंडेक्स पे 8 स्टोर है, ये क्या होगा? ये होगा नम ऑफ 1, ठीक है, नम अरे के 1 इंडेक्स पे क्या स्टोर है? 7 स्टोर है, ये 5 क्या हो जाएगा? नम ऑफ 2, ठीक है, ये क्या हो जाएगा? नम ऑफ 3, ठीक है, ये क्या हो जाएगा? नम ऑफ 4, ये नम ऑफ 5, जैसे ये देख रहे हैं 0 1 2 3 4 5, ये सब क्या इंडेक्स नंबर। लेंथ का खेल कहाँ तक है? लेंथ का खेल बस साइज निकालने के लिए, ठीक है, बाकी सब आपको जो प्रोग्राम में पूरा यूज होने वाला है इंडेक्स नंबर यूज होने वाला है। तो इंडेक्स नंबर 0 से स्टार्ट होता है, 7 पे खत्म होता है, ठीक है। मान लीजिए कि दे दिया कि किसी अरे का लेंथ जो है वो 21 है, किसी अरे का लेंथ 21 है, तो इसका लास्ट इंडेक्स नंबर बताइए, लास्ट इंडेक्स नंबर क्या होगा, ठीक है। तो अगर आप देख रहे हैं इस अरे का लेंथ कितना था, 8 था, 8 इस अरे का लेंथ है, लेकिन लास्ट इंडेक्स नंबर कितना है? 7। तो वैसे ही इस अरे का लेंथ 21 है, तो लास्ट इंडेक्स नंबर कितना होगा? 20 होगा। किसी अरे का लेंथ 99 है, तो उसका लास्ट इंडेक्स नंबर कितना होगा? 98 होगा। एक कम, हमेशा एक कम रहेगा, ठीक है, क्योंकि जीरो से इंडेक्स नंबर 0 से शुरू होता है, लेकिन लेंथ क्या है? 1 से शुरू होता है, ठीक है, तो इसलिए एक कम रहेगा हमेशा, ठीक। ये सब क्या है? नम फिर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 0, यानी नम अरे की, ये जो अरे है इस पूरा का नाम नम है, नम अरे की 0 इंडेक्स पे 8 स्टोर है, नम अरे के 1 इंडेक्स पे 7 स्टोर है, नम 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 अरे के 0 इंडेक्स पे 5 स्टोर है, ठीक है। तो अगर आपको ये वाला मान लीजिए ये 21 आपको कॉल करना है, ठीक है, 21 आपको कॉल करना है, तो आप कहीं प्रोग्राम में कहीं लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? नम ऑफ 7, यानी नम अरे के 7th इंडेक्स को हम कॉल कर रहे हैं, नम अरे का नाम है, नम अरे के 7th इंडेक्स, नम अरे का 7th इंडेक्स, इसको करना रहेगा, क्या करेंगे? नम फिर 6 स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 6, नम अरे के 6th इंडेक्स पे, ठीक है। तो ऐसे आपका पूरा डिफाइन है, ठीक है, क्या है? 0 1 2 3 इंडेक्स नंबर हो गया, लेंथ आपको लेंथ अगर निकालना रहेगा तो अरे नेम डॉट लेंथ सेमी कॉलन, ठीक है, यहाँ पे ये आपका सिंटैक्स इंस्टॉल करना रहेगा, तो ऐसे करेंगे, ठीक है। तो अब एक प्रोग्राम लेते हैं, ठीक है, ये आपका मैंने समझाया, इसी को यूज करके मैं प्रोग्राम बताऊंगा आपको, ठीक है। तो मान लीजिए एक अरे आपको कह दिया कि जो बेसिक बेसिक प्रोग्राम है आपकी बुक में लिखा रहता है कि इंस्टॉल अरे ऑफ साइज 10 एलिमेंट्स एंड इनपुट अ, मान लीजिए एक अरे हम एक यही यही जो है लेंथ, इसका लेंथ कितना था? इसका लेंथ था एट, ठीक है। तो हमको कह दिया कि एक अरे अरे बनाइए जिसका लेंथ 8 हो और उसमें इंटीजर वैल्यू स्टोर कराइए, ठीक है।
तो हम इसी यही जो मैंने लिखा है, यही जो मैंने लिखा है, एक अरे है, लेंथ कितना है उसका, 8 है। आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा कि लेंथ 8 है, एक अरे है जिसका लेंथ 8 है, और उसमें इंटीजर वैल्यू स्टोर कराइए, या फिर 10, 8 नंबर, एक अरे बनाइए जिसका लेंथ 8 हो और उसमें इंटीजर वैल्यू कोई नंबर स्टोर कराइए। ठीक है, तो सबसे पहले इनपुट कराइए, तो यानी यूजर से इनपुट कराना है हमको, इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार, स्कैनर पैकेज इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, फिर क्लास, आपको क्लास नेम जो भी रखना हो, ABC, फिर मेन मेथड पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, स्ट्रिंग आर्क्स, ठीक। अच्छा, फिर स्कैनर, स्कैनर क्लास का सिंटेक्स, स्कैनर एस इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। ठीक है, तो यहाँ तक तो लगभग सारे प्रोग्राम में हम लोग लिखते हैं जिसमें इनपुट कराना रहता है। ठीक है, अब हमसे कह रहा है कि एक अरे बनाइए जिसका लेंथ 8 हो, यानी अब हमको क्या करना है, यही सिंटेक्स यूज करेंगे हम। ये सिंटेक्स किस लिए यूज किया जाता है, जब अरे को हमको इंस्टॉल कराना है, तो हमारे यही यही हमको एक अरे अरे बनाना है जिसका लेंथ 8 हो और इंटीजर टाइप का हो। तो हम क्या करेंगे, यानी हमसे क्वेश्चन में ये नहीं कहेगा कि इंटीजर टाइप का, हमसे क्वेश्चन में कहेगा कि एक अरे बनाया जिसका लेंथ 8 हो, 10 हो, मान लीजिए 8 ही है क्वेश्चन में हमसे, 8 का है, एक अरे बनाया जिसका लेंथ 8 हो और उसमें नंबर इनपुट कराइए। ठीक है, तो नंबर इनपुट कराइए, यानी हमको स्कैनर क्लास यूज करना पड़ेगा यूजर से नंबर इनपुट कराने के लिए। ठीक है, तो लेंथ 8 हो और उसमें नंबर इनपुट कराना है, तो जैसे ही कह दिया कि हमको उसमें नंबर इनपुट कराना है, तो वैसे ही हम समझ जाएंगे कि इंटीजर टाइप का वैल्यू इनपुट कराना है। तो हम एक इंटीजर टाइप अरे बनाएंगे जिसका लेंथ 8 होगा। ठीक है, तो यही सिंटेक्स लिख दीजिए, इंट इंट, फिर डाटा टाइप आपको जो भी अरे का नाम रखना हो, तो मान लीजिए यहाँ पे मैं कुछ और नेम ले लेता हूँ, ए आर नेम ले लेते हैं। ठीक है, फिर इंट डाटा टाइप अरे नेम स्क्वायर ब्रैकेट इज इक्वल टू न्यू, फिर डाटा टाइप, न्यू डाटा टाइप। ठीक है, तो डाटा टाइप, यही डाटा टाइप यहाँ पे भी लिख देंगे, न्यू इंट, यहाँ पे साइज, ठीक है, यहाँ पे साइज लिखना है। मान लीजिए आपको क्वेश्चन में कह दिया कि 10 नंबर इनपुट कराए, तो साइज यहाँ पे 10 लिख देंगे, जितना नंबर इनपुट कराने के लिए कहेगा उतना नंबर इनपुट करा देंगे। ठीक है, मान लीजिए 8 बोला, तो मैं उसे रिलेट कर पाऊंगा। ठीक है, तो मान लीजिए 8 नंबर इनपुट करने के लिए कहा, ठीक है, तो 8, तो जैसे ही आप ये वाला लाइन लिखेंगे वैसे ही क्या होगा, ये 8 बॉक्सेस आपका क्रिएट करा देगा। ठीक है, अभी उसमें नंबर नहीं स्टोर कराएगा। ठीक है, जैसे ही आप ये वाला लाइन लिखेंगे, ये प्रोग्राम में अपने ये लाइन लिखेंगे, इंट ए आर स्क्वायर ब्रैकेट इज इक्वल टू न्यू इंट 8, तो वैसे ही आपके ऐसे ऐसे 8 बॉक्सेस स्टोर, एक 8 बॉक्सेस क्रिएट कर देगा। इंडेक्स नंबर कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से लेके 7, ये आपका इंडेक्स नंबर होगा, और लेंथ 8 बॉक्सेस आपका क्रिएट करा देगा। यानी लेंथ कितना है, लेंथ उसका 8 है, और अरे का नाम क्या है, ए आर, तो अब ये अरे का नाम ए आर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका अरे का नाम क्या है, ए आर दिए हम, तो इस पूरे अरे का नाम ए आर हो गया, तो जहां जहां नाम था वहां वहां ए आर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ए आर, ठीक है, ये भी ए आर, ठीक है, तो ऐसे आपका जो अरे बनाना है प्रोग्राम में ऐसे ही अरे बनेगा। ठीक है, अब हमसे कहा है कि अरे के अंदर अब यूजर से क्या करना है, हमको 8 नंबर स्टोर कराना है। ठीक है, तो अब इस वही स्कैनर क्लास का यूज करके हम इस अरे के अंदर 8 नंबर स्टोर करेंगे। ठीक है, अब ये लाइन लिखे तो हमारा 8 बॉक्स बन गया। ठीक है, 8 बॉक्स बन गया हमको। ठीक है, अब हमको क्या कराना है, अब हमको इस 8ों बॉक्स के अंदर नंबर स्टोर कराना है। तो वो कैसे कराएंगे, अब जैसे कभी भी अरे में आपको नंबर स्टोर कराना हो तो हमेशा लूप यूज करेंगे, लूप, क्योंकि विदाउट लूप के हो ही नहीं पाएगा। ठीक है, आपको 8ों बॉक्सेस में जिसका इंडेक्स नंबर कहाँ शुरू है, 0 से लेकर 7 तक, तो अब हम लूप चाहेंगे। ठीक है, लूप फॉर 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 इंट ए इज इक्वल टू 0, ए इज स्मॉलर देन 8 प्लस ए प्लस प्लस। अच्छा, अब इंट ए इज इक्वल टू 0 से क्यों, यहाँ पे 0 से क्यों स्टार्ट किए, क्योंकि इंडेक्स नंबर 0 से, हमको लेंथ, मैंने अभी बताया ना, लेंथ हमको कहीं, लेंथ बस आपको जो थ्योरी सेक्शन होता है, जो आपके बोर्ड पेपर में थ्योरी सेक्शन होता है, उसी में लेंथ वगैरह पूछता है। ठीक है, बाकी जब इंस्टॉल करेंगे तो हम यहाँ पे लेंथ लिखे ही हैं,
लेंथ वगैरह नहीं पूछता है, नॉर्मली जो पूरा गेम है इसमें इंडेक्स नंबर का, पूरे अरे चैप्टर में जो गेम है इंडेक्स नंबर का ही पूरा खेला है, ठीक है। तो इंडेक्स नंबर जीरो से स्टार्ट होता है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे जो लूप चलाया है वो जीरो से स्टार्ट किया है, क्योंकि हमको इस वाले इंडेक्स में यानी जीरो इंडेक्स में हमको नंबर स्टोर कराना है, वन टू, फिर वन इंडेक्स में, टू इंडेक्स में, थ्री इंडेक्स में, इन सब इंडेक्स में, इंडेक्स नंबर में हमको नंबर स्टोर कराना है, ठीक है। जीरो इंडेक्स, तो इसीलिए मैंने जीरो से स्टार्ट किया, क्योंकि इस वाले जीरो इंडेक्स में भी हमको नंबर स्टोर कराना है, ठीक है। तो स्मॉलर देन एट यानी एज स्मॉलर देन एट, स्मॉलर देन एट यानी सेवन तक चलेगा, ठीक है। या फिर आप यहाँ पे स्मॉलर देन इज इक्वल टू सेवन लिख दीजिए, स्मॉलर देन इज इक्वल टू सेवन लिख दीजिए, या फिर स्मॉलर देन एट लिख दीजिए, ठीक है। तो एक है, या फिर स्मॉलर देन एज स्मॉलर देन एट लिखिए, या फिर एज स्मॉलर देन इज इक्वल टू सेवन लिखिए, ठीक है। तो नॉर्मली ये लिखना ज़्यादा सही रहता है, क्योंकि लेंथ से एक कम चलेगा, ठीक है। जितना लेंथ रहेगा, इंडेक्स नंबर अभी बताया ना, अगर इंडेक्स, अगर लेंथ अरे का लेंथ 20 है, 21 है, तो अरे का लेंथ अगर 21 है तो लास्ट इंडेक्स नंबर कितना होगा, 20 होगा। अगर इंडेक्स नंबर 100 है, सॉरी लेंथ अगर 100 है तो लास्ट इंडेक्स नंबर 99, ठीक है। अगर इंडेक्स नंबर 101 है तो अगर लेंथ 101 है तो इंडेक्स नंबर 100 हो जाएगा लास्ट इंडेक्स नंबर, ठीक है। तो वैसे ही लेंथ से जितना लेंथ है, जितना लेंथ हमेशा उससे एक कम रहेगा, ठीक है। तो इसीलिए स्मॉलर देन लेंथ, ठीक है, लेंथ से एक कम, तो यही यूज करना चाहिए, इससे थोड़ा आसान रहता है। एट क्या है, लेंथ नंबर से, लेंथ से एक कम चलेगा, जीरो से लेके लेंथ से एक कम, यानी जीरो से लेके सेवन तक चलेगा, जीरो से लेके सेवन तक की लूप चलेगा, जीरो से लेके सेवन तक, जीरो से लेके सेवन तक। तो हमने जीरो से लेके सेवन तक क्यों चलाया, क्योंकि हमको इन सब इंडेक्स नंबर को यूज करना है, जीरो से लेके सेवन को हमको यूज करना है, इसलिए हमने जीरो से लेके स्मॉलर देन एट यानी सेवन तक चलाया, ठीक है। अब इसमें नंबर स्टोर करना है, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पे प्रिंटिंग स्टेटमेंट दे दीजिए, एस ओ पी एल एन एंटर एंटर नंबर्स इन अरे, एंटर नंबर्स इन अरे, ये अपने प्रिंटिंग स्टेटमेंट दे दिया कि अरे में नंबर एंटर करो, ठीक है। तो अब ये लूप चलाए जीरो से लेके स्मॉलर देन एट, जीरो से लेके स्मॉलर देन एट यानी सेवन तक, जीरो से सेवन तक हमने लूप चलाया। अब क्या करेंगे, अब हमको अब स्टोर कराना है, कहीं भी नंबर स्टोर कराना था, तो स्कैनर क्लास यूज करते हैं, ठीक है। तो ए आर ऑफ ए इज इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट, एस सी डॉट नेक्स्ट इंट, ठीक है। एस सी डॉट नेक्स्ट इंट स्कैनर क्लास हमने यूज किया है, जहां भी नंबर स्टोर कराना रहता है एस सी डॉट नेक्स्ट, और जिस डाटा टाइप का वैल्यू है वो डाटा टाइप, ठीक है, कैपिटल लेटर में, पहला लेटर डाटा टाइप का कैपिटल लेटर में, ठीक है, एस सी डॉट नेक्स्ट इंट, ठीक है। और ए आर क्या है, अरे का नाम है, अरे का नाम है ए आर ऑफ ए, ए हमने लूप चलाया, लूप का हमने यूज किया है ए, ठीक है। फिर ये लूप बंद, ठीक है। अब इसको मैं रन करा रहा हूँ, ठीक है, अब रन कराऊंगा तो क्या होगा कि लूप रन कराते हैं, ठीक है। इंट ए इज इक्वल टू जीरो, ए की वैल्यू मैं यहाँ पे लिखता जा रहा हूँ, ठीक है। इंट ए इज इक्वल टू जीरो, तो सबसे पहले ए की वैल्यू जीरो, ए इज स्मॉलर देन एट यानी जीरो इज स्मॉलर देन एट, कंडीशन ट्रू, कंडीशन ट्रू, फिर यहाँ पे जाएगा ए प्लस प्लस, ठीक है, यूज देन चेंज, ठीक है। तो ए आर ऑफ ए यानी इस वाली लाइन का मतलब क्या हुआ, ए आर ऑफ ए की वैल्यू कितनी है, जीरो, ए आर ऑफ जीरो यानी जीरो इंडेक्स का, मैंने अभी बताया ना, ए आर ऑफ जीरो यानी ए आर अरे के जीरो इंडेक्स पे, ए आर अरे का नाम है के जीरो इंडेक्स पे, तो वही मतलब हुआ, ए आर ऑफ जीरो ए आर इंडेक्स के, ए आर अरे के जीरो इंडेक्स पे एस सी डॉट नेक्स्ट इंट का क्या मतलब, यूजर आपको नंबर इनपुट करे, इनपुट करो इनपुट नंबर, ठीक है। एस सी डॉट नेक्स्ट इंट हम नंबर यूजर से इनपुट कराने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो ए आर के जीरो इंडेक्स पे कुछ इनपुट करो, ठीक है। तो मान लीजिए यूजर ने इनपुट कर दिया 91, ठीक है, ये यूजर ने मान लीजिए इनपुट कर दिया 91, ठीक है। अब फिर यहाँ पे जाएगा लूप, एक ए प्लस प्लस था तो ए की वैल्यू इस पर क्या हो जाएगी, 1। अब यहाँ पे आएगा 1, ए की वैल्यू हो गई है 1 इज स्मॉलर देन इट, कंडीशन ट्रू। फिर यहाँ पे जाएगा ए आर ऑफ ए की वैल्यू इस पर क्या है, 1 है, तो ए आर ऑफ ए पे कुछ इनपुट करो आप, यानी ए आर ऑफ 1 पे, ए आर अरे के 1 इंडेक्स पे आप कुछ इनपुट करो। तो मान लीजिए यूजर ने इनपुट कर दिया 100, अब ये सब कैसा है, इंटीजर टाइप वैल्यू है, तो इसीलिए हमने अरे का नाम क्या लिया था, इंट लिया था, ठीक है। अब हमको मान लीजिए इसमें कोई शब्द वर्ड इंटर कराना है, तो हम इंट की जगह, यहाँ पे इंट की जगह स्ट्रिंग ले लेंगे। कोई ए बी सी डी स्टोर अल्फाबेट स्टोर कराना है, तो यहाँ पे कैरेक्टर ले लेंगे। डेसिमल वैल्यू भी स्टोर करानी है, डबल ले लेंगे, ठीक है।
ऐसे हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चेंज करते रहेंगे, ठीक है। अब फिर लूप हम रन कराएं तो ए की वैल्यू इस बार क्या हो जाएगी, टू हो जाएगी। फिर टू इज स्मॉलर देन एट कंडीशन ट्रू, फिर ए प्लस प्लस, ठीक है। फिर यहाँ पे आएगा ए आर ऑफ ए की वैल्यू इस बार क्या है, टू है। तो ए आर ऑफ टू, ए आर ऑफ टू, ए आर अरे के सेकेंड इंडेक्स पे के कुछ स्टोर करो, तो मान लीजिए फाइव हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे जाएगा ए की इस बार वैल्यू कितनी होगी, थ्री, ठीक है। तो थ्री इज स्मॉलर देन एट, थ्री इज स्मॉलर देन एट, कंडीशन फिर ट्रू, कंडीशन फिर ट्रू, ठीक है। फिर यहाँ पे आएगा फिर ए आर ऑफ ए, इस बार ए की वैल्यू कितनी है, थ्री। तो यानी ए आर अरे के थर्ड इंडेक्स पे, ए आर अरे के थर्ड इंडेक्स पे ऐसे डॉट नेक्स्ट मतलब नंबर इनपुट कराना है, तो इनपुट नंबर मान लीजिए यहाँ पे जीरो नंबर। तो ऐसे ही आपका करता जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे स्टोर हो गया 21, 20, 15, ठीक है। अब जैसे ही ए की वैल्यू सेवन होगी, जैसे मान लीजिए ए की वैल्यू सेवन हो गई, ए की वैल्यू सेवन हो गई, ठीक है। तो सेवन इज स्मॉलर देन एट कंडीशन ट्रू, फिर यहाँ पे आएगा ए आर ऑफ ए आर ऑफ सेवन, ए आर ऑफ सेवन इज इक्वल टू इनपुट, यानी ए आर के सेवन्थ इंडेक्स में कुछ इनपुट करिए, मान लीजिए वन इनपुट करा दिया, ठीक है। फिर यहाँ पे जाएगा फिर ए की वैल्यू क्या हो गई, इस बार एट हो गई, एट इज स्मॉलर देन एट, कंडीशन फॉल्स। फिर ये लूप टर्मिनेट, ये लूप पूरा टर्मिनेट कर जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही आपका नंबर इनपुट कराना है, ठीक है। नंबर इनपुट कराना हो, चाहे स्ट्रिंग इनपुट कराना हो, वर्ड इनपुट कराना हो, ऐसे ही कराएंगे, बस डाटा टाइप यहाँ पे चेंज कर देंगे, ठीक है। मान लीजिए हमको स्ट्रिंग आठ स्ट्रिंग इनपुट कराना है, तो यहाँ पे इंट की जगह स्ट्रिंग लिख देंगे, स्ट्रिंग। फिर यहाँ पे एससी डॉट नेक्स्ट, जहाँ इंट लिखा है इंट की जगह, अब स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग इनपुट कराने का क्या तरीका है, लाइन लिखते हैं, तो यहाँ पे लाइन लिख देंगे। मान लीजिए आपको डबल आपको पॉइंट में कोई नंबर स्टोर कराना है, डेसिमल वैल्यू भी स्टोर कराना है, तो यहाँ पे इंट की जगह डबल लिख देंगे, अरे का नाम जो भी देना हो, फिर यहाँ पे क्या लिखते हैं, यहाँ पे डबल लिख देंगे, ठीक है। आपको कैरेक्टर टाइप की वैल्यू यहाँ पे कैर हो जाएगा, डाटा टाइप कैर हो जाएगा, यहाँ पे क्या रहता है, एससी डॉट नेक्स्ट, एससी डॉट नेक्स्ट डॉट कैरेट, कैरेट ऐसे इनपुट कराते हैं, तो ये हो जाएगा, ठीक है। बस डाटा टाइप चेंज करते रहेंगे, बाकी जीरो से लेके इंडेक्स नंबर, मान लीजिए अब यहाँ पे मान लीजिए लेंथ अगर टेन रहता तो स्मॉलर देन टेन तक चलाते, यानी जीरो से अगर लेंथ टेन रहता तो हमको जीरो से लेके नाइन तक लूप चलाना रहता, लेंथ अगर हंड्रेड रहता तो जीरो से लेके नाइन्टी नाइन तक चलाना रहता, लेंथ अगर 21 रहता है तो 0 से लेकर 20 तक चला रहा। तो लूप हमेशा 0 से स्टार्ट करेंगे और लेंथ से एक कम, स्मॉलर देन लेंथ, ठीक है। तो ऐसे नंबर इनपुट कराएंगे, ठीक है। अब कभी अब मान लीजिए इस नंबर को प्रिंट भी कराना है, ठीक है। तो अब इतना आप कोड लिखेंगे, इतने आपके कोड लिखने से यहाँ तक आप कोड लिखेंगे तो ये आपका एक अरे बन जाएगा जिसमें आठ बॉक्सेस हैं, यानी लेंथ 0 से लेकर 7 तक है, और एससी डॉट नेक्स्ट इंट, आप ये लूप चला के एससी डॉट नेक्स्ट इंट लिख दिया, यानी आठों में कोई वैल्यू यूजर इनपुट कर देगा। आप कभी कभी कह देता है कि अब यही अरे को प्रिंट कराइए, ये जो नंबर है इसको प्रिंट कराइए, तो कुछ नहीं करना, फिर से एक लूप चलाना है, फिर से एक लूप चलाइए, इंट बी इज इक्वल टू जीरो, बी इज स्मॉलर देन एट, बी प्लस प्लस, फिर से जीरो से लेके स्मॉलर देन एट, जीरो से लेके सेवन तक फिर लूप चलाना है, ठीक है। फिर यहाँ पे एस ओ पी ए आर ऑफ बी, ठीक है, ये प्रिंट करा देना है, या तो अलग लूप चला के प्रिंट करें, या फिर इसी लूप में यही स्टेटमेंट जो है इसी लूप में दे दीजिए, ठीक है। तो मैंने क्यों अलग, कभी कभी ये कहता है कि ये जो अरे है, कभी कुछ और क्वेश्चन में करने के लिए कह देगा कि सारे को सम कराइए, या फिर इवन नंबर जो है जो इवन प्लेस पे उसको सम कराइए, जो ऑड प्लेस पे उसको सम कराइए, अलग अलग लिखे। तो अगर कुछ नहीं कहा है तो ये प्रिंटिंग स्टेटमेंट आप यहीं पे दे सकते हैं। अगर बस आपसे कहा है कि एक अरे बनाइए, उसमें नंबर स्टोर कराइए और प्रिंट करिए, तो ये वाला प्रिंटिंग स्टेटमेंट आप यहीं पे दे दीजिए, ठीक है। या फिर एक लूप चला के प्रिंटिंग स्टेटमेंट, मान लीजिए इसको अगर रन कराते हैं, सेकंड वाले लूप को रन कराएं, तो इंट बी इज इक्वल टू जीरो, यानी बी की सबसे पहले वैल्यू जीरो, जीरो इज स्मॉलर देन एट, कंडीशन ट्रू, कंडीशन ट्रू। फिर यहाँ पे आएगा एस ओ पी ए आर ऑफ बी, यानी ए आर के बी की वैल्यू कितनी है, जीरो, ए आर के जीरो इंडेक्स पे जो वैल्यू है उसको प्रिंट करो, तो 91 आपका प्रिंट कर देगा, ठीक है। यहाँ पे प्रिंटिंग स्टेटमेंट में थोड़ा स्पेस भी दे दे, प्लस थोड़ा स्पेस, ठीक है, 91 प्लस थोड़ा सा स्पेस प्रिंट कर देगा, ठीक है। फिर यहाँ पे लूप जाएगा, बी की इस बार वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 इज स्मॉलर देन 8, कंडीशन ट्रू। फिर यहाँ पे आएगा फिर एस ओ पी ए आर ऑफ बी, बी की इस बार कितनी वैल्यू, 1, तो ए आर के 1 इंडेक्स पे जो नंबर है उसको प्रिंट करो, तो फिर
हंड्रेड स्पेस, हंड्रेड प्रिंट करके थोड़ा स्पेस दे देगा। फिर यहाँ पे जाएगा, इस बार बी की वैल्यू टू, टू इज स्मॉलर देन इट कंडीशन ट्रू, बी की वैल्यू कितनी हो गई, टू हो गई। तो अब एस ओ पी ए आर ऑफ बी, यानी ए आर के सेकेंड इंडेक्स पे जो नंबर है उसको प्रिंट करो, यानी पाँच फाइव, इस बार फाइव प्रिंट करके थोड़ा स्पेस दे देगा, ठीक है। तो ऐसे ही आपका सेवन तक, सेवन इज स्मॉलर देन इट कंडीशन ट्रू, तो ए आर ऑफ सेवन, ए आर के सेवन इंडेक्स पे जो नंबर है यहाँ पे फाइव, फिर जीरो, ट्वेंटी वन, ट्वेंटी, फिफ्टीन, फिर ए आर के सेवन इंडेक्स पे जो नंबर है उसको प्रिंट करो, तो ए आर ऑफ सेवन, सेवन पे क्या है वन, फिर थोड़ा स्पेस दे देगा। फिर यहाँ पे बी की वैल्यू एट हो जाएगी, एट इज स्मॉलर देन इट कंडीशन फॉल्स, फिर ये पूरा लूप टर्मिनेट कर जाएगा। हमने जीरो से सेवन तक ही लूप चलाया क्योंकि हमको वहीं तक यूज ही है, उसके आगे चलाने कोई फायदा नहीं, ऐसे आपका प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो ये आपका ऐसे कोड लिखा जाता है। अब क्वेश्चन में जो जो क्वेश्चन में जो जो कहा हो कि जो जो करने के लिए कहा हो वो करना रहता है, ठीक है। तो अब ये जो अरे चैप्टर है आपका, अरे चैप्टर है, इसमें आपको जो सबसे ज्यादा पूछता है वो सॉर्टिंग पूछेगा आपको, सॉर्टिंग। एक वीडियो में मैंने बताया कि क्लास टेंथ कंप्यूटर में पूछता क्या क्या है, ठीक है, ये वीडियो है आपका, ठीक है, उसमें मैंने बताया कि क्या क्या पूछता है, ठीक है, पूरा रिव्यू है उसमें, ठीक है, तो आप उस वीडियो में जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो अरे में पूछता क्या है, सॉर्टिंग पूछेगा और सर्च पूछता है, ठीक है, सर्च, ठीक है। सॉर्टिंग यानी असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना, और सर्च क्या है, जैसे ये पूरा अरे है, पूछ देगा कि इसमें 21 सर्च करो, 21 सर्च करो कि कहाँ पे है, तो फोर्थ इंडेक्स पे है, तो मैंने बता दिया फोर्थ इंडेक्स पे है, उसको सर्च करने का एक टेक्निक होता है, ठीक है। तो सॉर्टिंग के दो मेथड होते हैं, सिलेक्शन, सिलेक्शन सॉर्ट एंड बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट एंड बबल सॉर्ट, ठीक है, सिलेक्शन सॉर्ट एंड बबल सॉर्ट। और सर्चिंग के भी दो टेक्निक है, कौन सा, लीनियर सर्च एंड बाइनरी सर्च, ठीक है, ठीक है। तो ये सिलेक्शन सॉर्ट, बबल सॉर्ट, ये तो जरूर हर साल, मतलब जितना बोर्ड का पेपर होता है हर साल सॉर्टिंग तो जरूर पूछता है, एक सॉर्टिंग से क्वेश्चन, एक सर्चिंग से क्वेश्चन जरूर पूछ देगा, ठीक है। तो ये आपको कुछ पढ़िए न पढ़े, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पक्का पढ़ के जाइए, सॉर्टिंग एंड सर्चिंग, ये हर साल पूछता है, हर साल ये सिलेक्शन सॉर्ट, बबल सॉर्ट और लीनियर सर्च या फिर बाइनरी सर्च, सॉर्टिंग एंड सर्चिंग में से, सॉर्टिंग तो हर साल पूछता है, सर्चिंग में भी हर साल क्वेश्चन पूछ देता है, ठीक है। तो ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट, अरे चैप्टर से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही दोनों है, ठीक है। सो ये आपका अरे का पूरा इंट्रोडक्शन, कैसे इंस्टॉल कराते हैं, सिंटेक्स क्या है, इंडेक्स नंबर, एक एक अरे एक एक बॉक्सेस में कैसे नंबर स्टोर कराएंगे, ठीक है। तो ये आपका इंट्रोडक्शन था पूरे अरे का। अब अगले वीडियो में हम सॉर्टिंग पे डिस्कस करेंगे, सॉर्टिंग, ठीक है। अब अरे का जो मतलब और क्वेश्चन है वो जो बोर्ड का पेपर में जो क्वेश्चन आया हुआ है, मैं बोर्ड का सीरीज चला रहा हूँ, ठीक है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, ठीक है, पूरे बोर्ड्स के क्वेश्चन मैंने सारे कराए हैं, ठीक है, पूरे बोर्ड्स के क्वेश्चन मैंने कराए हैं, तो उसमें से आप अरे के जो क्वेश्चन है वो देख सकते हैं, बाकी अपने बुक में जो है ट्राई करें। हम आगे वीडियोस में ट्राई करेंगे कि और भी अरे का जो एग्जांपल है वो सब सॉल्व कराएं, ठीक है, बट अगले वीडियो में हम सॉर्टिंग पे डिस्कस करेंगे क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, यही ज़्यादातर पूछता है। तो सिलेक्शन सॉर्ट, सॉर्टिंग में जो सिलेक्शन सॉर्ट है इस पर हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, हमारे साथ आगे बने रहिए, तब तक के लिए धन्यवाद।